Our top focus: The husband of Bilkis Bano, Yakub Patel, has spoken up after the 11 convicts of gang rape of his wife were released from the jail under the Gujarat government's remission policy now, Bano's husband, yakub, said that the release of these convicts has only increased his family's fears and pain, and they now fear for their lives after the decision. he further added that the family members were trying to settle their lives after the top court upheld the last conviction, but ever since the decision came of the release of these convicts, their family is in a state of shock and dismay. Yes, sir. कैसे देखते हैं क्योंकि इतने सालों तक आप लोगों ने स्ट्रगल किया था आप लोगों की आंखों के सामने जो हुआ बिल्किस जी की आंखों के सामने जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों को जो सजा दी गई थी वो वापस ले ली गई है उन लोगों को रिहा कर दिया गया है जेल से जब ये खबर आपको मिली तो कैसा महसूस हुआ उस समय आपको सबसे पहले से जो पंद्रह अगस्त के दिन जो बिल्किस बानू के इतने गंभीर आरोप में जो आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लोग थे आरोपी थे वो उस आरोपी को पंद्रह अगस्त को जब छोड़ दिया तब हमको लीगल कुछ भी मालूम नहीं था जब लोकल मीडिया से पता चला सोशल मीडिया से पता चला कि आपके केस में जो आरोपी थे जो सजा भुगत रहे थे उनको छोड़ दिया गया तो, तो हम बात सच मान ही नहीं रहे थे लेकिन उसके बाद हमने पूरा सच देखा तो बोला हम एकदम से बिल्कुल शॉर्ट हो गए बहुत शॉर्ट हो गए फिर हमने जाकर बिल्किस को बात ऐसा ऐसा हुआ उसके बाद हमने ये चीज़ बिल्किस को बताया बिल्किस एकदम से मायूस हो गई कि मेरे साथ क्या हो गया आज मेरी अठारह साल की लड़ाई एक ही झटके में ख़त्म हो गई और उसके बाद हम आज बहुत डर में हैं बहुत मायूसी में हैं क्योंकि हम हमारे परिवार को रोज़ याद करते हैं जो हमारे रिश्तेदार को बिल्किस के परिवार को जो ख़त्म कर दिया है इन्होंने और उसमें मेरी तीन साल की बेटी भी थी उसको भी मार डाला उसने और उसके बाद हम उनके लिए दुआएं मांग रहे थे और जब लास्ट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके बाद हम थोड़ा जीने का सीख रहे थे कि हम अब शांति से ज़िंदगी जीने की शुरुआत कर रहे थे इसमें इतना बड़ा झटका हमको लग गया बिल्कुल जी की भी कई ना कई स्टेटमेंट आई थी उन्होंने बोला था कि जो जस्टिस सिस्टम है हमारे देश का उससे कहीं ना कहीं विश्वास उठता नज़र आ रहा है देखिए बिल्केश ने उनका जो स्टेटमेंट में कहा है कि आज मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है मेरे देश ने संविधान पे मैंने इतना भरोसा किया मेरे देश ने संविधान ने मुझे न्याय भी दिया है लेकिन आज इस चीज़ देखने के बाद मेरा मेरे भरोसा को डगमगा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है All right, and I'm being joined by my colleague Amit Rajput, who's reporting live from Ahmedabad city in Gujarat. Amit, there is massive shock, there's massive outrage. You know, even I've been having conversations with my friends, and you know, all I can sense is anger, anger, and anger, and utmost disappointment. So, here, you know, I want to ask you what can be the next course of action when it comes to Bilkis and her family? Will they be approaching the court anytime soon? What is the legal remedy that they can approach next? मामले में अब जो रास्ता है वो पहले तो जो ये जजमेंट है वो जजमेंट की कॉपी और उसके साथ में जिस बेस के ऊपर इन्हें जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने क्या तय किया था क्या देखा था वो सारी चीजें जो हैं वो लेकर उन्हें जाना होगा जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट में वापस से उन्हें जाना होगा और इसे चैलेंज करने की जो भूमिका है चैलेंज करने की जो बात है वही है और इस चीज को जिस तरह से आ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीआरपीसी की धाराओं का उपयोग करके जो आ, कैदी जो थे राधेश्याम शाह उनकी तरफ से पिटिशन की गई कमिटी आ, बनी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे तो ये जो निर्णय है ये कहना आ, अभी इस मामले पे ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और उसके बाद में गुजरात सरकार ने अपने पावर का उपयोग किया तो ये देखना है कि क्या सही था क्या गलत था क्योंकि अलग अलग जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि इस तरह के जो बलात्कार और घृणास्पद जो क्राइम करते हैं उन्हें जीवन कारावास और वो जब तक अपनी जिंदगी है वो जेल के सलाखों के पीछे जब तक उनकी आखिरी सांस चले तब तक उन्हें रखना है उन्हें किसी भी तरह से कोई रियायत या छुट्टी नहीं दी जाए लेकिन जिस तरह से ये मामला आया है अब सामने आ, सारी चीजें जो हैं बिल्कीस के पति याकूब ने भी आ, हमारे मिरर नाउ नेट पर से बात की है और साफ-साफ कहा है कि आ, उन्हें डर है दहशत है तो उनके भी जो वकील हैं उनके जो लॉयर्स हैं उनके साथ में वो बातचीत करेंगे आने वाले दिनों के अंदर और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में याकूब जो हैं और बिल्कीस की तरफ से चैलेंज किया जा सकता है उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन यह भी देखना होगा कि जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है विपक्ष की तरफ से इस मामले पे बार बार कहा जा रहा है तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से या गुजरात सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई दूसरी कार्यवाही की जाती है क्या इस मामले में कुछ चीजें बदली जाती हैं, वो भी देखना होगा G. All right, Amit, before I let you go, we know, like, even you uh, put forth this point that the Congress, the opposition, has been raising a lot of pertinent questions over, you know, how uh, Gujarat government managed to, in fact, uh, you know, uh, pass this order where the convicts were released under the remission policy, even when the center's guidelines clearly states that the rape uh, is an absolute heinous crime, which cannot be excused even in uh, the remission policy. Here, I want to ask you that has there been any concrete reaction from the BJP government? In गुजरात और फ्रॉम द सेंटर ऑन दिस देखिए जो आपका सवाल है इस मामले में कांग्रेस ने तो सुबह से ही लगातार रिएक्शन देने चालू आज भी किए थे पहले भी दिल्ली से भी इस मामले पर रिएक्शन दिए गए लेकिन लगातार मिरर नाउ की टीम की तरफ से जो गुजरात सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं फिर वो मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो या प्रवक्ता सरकार के मंत्री हो उसके अलावा बीजेपी का जो आ, आ, स्टेट विंग है जो है उसे भी हमने लगातार बातचीत की है लगातार हमारी उनसे बातचीत चल रही है लेकिन सभी का ये कहना है कि इस मामले में समय आने पे जो जवाब देने की प्रक्रिया है वो पार्टी की तरफ से की जाएगी सरकार का भी ये कहना है कि सरकार की तरफ से इस मामले पे आ, समय आने पे बातचीत का, मीडिया के सामने कही जाएगी लेकिन फिलहाल अभी आ, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो इस मामले के बाद से बैकफुट पे है और वो सोच रहे होंगे कि क्या इस मामले पे जब मीडिया के सामने जाएंगे तब सवाल जवाब बहुत लंबे होंगे तो इसका जवाब क्या देना और साथ ही साथ जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं उन कांग्रेस के सवाल का जवाब क्या देना तो उसकी रणनीति right. भी शायद उनकी जो लीगल टीम है वो तैयार कर रही होगी ऑल राइट अमित राजपूत थैंक यू सो मच फॉर ट्रैकिंग ऑल दो